जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार से मुलाकात की। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले संभागीय आयुक्त जम्मू से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने पेंशन, जीपी फंड सहित कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को डिवकॉम के समक्ष उठाया और उन्हें जल्द हल करने की मांग की। संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार से मुलाकात के बाद एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य सुभाष चंद्र ने पत्रकारों से बात करते हुए डिवकॉम जम्मू से हुई उनकी मुलाकात की जानकारी दी। सुभाष वर्मा, जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन फोर्स की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। तो आज हमारी जो डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ डिस्कशन हुई है, तो उसमें हमारे जो बर्निंग इशू हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के और पेंशनर्स के भी हैं कुछ, तो उस पर एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई है। और सरकार ने वैसे पहले फ्रैक्चर टैक्टिक्स वो इस्तेमाल किए हैं कल, तो कल उसके बाद हमारे लोगों को, कुछ लीडरशिप को गिरफ्तार भी किया है, थानों के अंदर बैठा के रखा, हरासमेंट हुई है। तो ये सरकार का ये तरीका जो है लोकतांत्रिक है, तो इसको हम इस कंडेम्ड करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम ये सरकार लोकतंत्र को दबाने वाली है, हम लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, इसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। बाकी एम्प्लॉयज इश्यूज़ के लिए हम काफ़ी अरसे से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं इमीडिएट हल हों, और इमीडिएट के सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसके लिए कभी बुलाया भी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजे। तो आज सरकार ने महसूस किया है कि नहीं, इस तरीके से टकराव से बातचीत में काम नहीं चलेगा, कर्मचारी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट पार्ट है, गवर्नमेंट की मशीनरी के पार्ट हैं। तो गवर्नमेंट की मशीनरी के पार्ट हैं तो फिर गवर्नमेंट अपने पार्ट्स को नहीं देखेगी, इसको इग्नोर करेगी, तो मशीनरी कैसे चलेगी, मशीनरी रुक जाएगी। आप डिवीजन कमिश्नर साहब ने हमें यही कहा कि जो आपके तीन चार इश्यूज हैं जो है, जैसे जीपी फंड का मसला है, लीव सैलरी का मसला है, या फिर जो ग्रेजुटी का मसला है, या समय पर जो तनख्वाह नहीं मिलती है, या फिर जो पेंशनर्स का इश्यूज है, वो इमीडिएट हल करेंगे। इसके लिए उन्होंने हफ्ते का टाइम मांगा है, और जो पॉलिसी जो डिसीजन है वो सरकार को रिकमेंड करने जा रही है डिवीजन कमिश्नर साहब। और उसके इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ये हमारे इश्यूज़ जो है, आपके इश्यूज़ है, वो एक हफ्ते के अंदर उस पर रिस्पांस आता है, तो मैं आपको फिर एक हफ्ते के अंदर बुलाऊंगा और फिर से चर्चा होगी, जो इशू हल हुए होंगे वो भी बताएंगे। तो